हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। सो गाइस, आज की व्लॉग की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो रही है क्योंकि मैंने आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं जो इतनी सुबह सुबह उठ के बनाई हो। सो टाइम इज 8:03 इन द मॉर्निंग एंड हमारा वर्कआउट का टाइम हो रहा है। लेट्स हिट द जिम एंड डू अ क्विक वर्कआउट। मेरे को कहीं जाना है तो वर्कआउट करके आऊँगा, उसके बाद रेडी होके फिर वहाँ जाने के लिए निकलते हैं एंड तुम लोगों से फिर रास्ते में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को शेयर कर दो। सो चलो चलते हैं। Make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. When they got it on record, I let them take advantage. I was wildin' on record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, I still want the act, not the ghost. डन विद द वर्कआउट गाइज, आ था लेग्स एंड शोल्डर्स। अब फटाफट से फ्रेशन होकर तुमसे मिलता हूँ, बाकी बात हम गाड़ी में करेंगे। चेंज करते हैं एक स्लैप ट्रांजिशन में। 1, 2, 3 ऑल सेट गाइज, रेडी हो चुका हूँ एंड अब हम जा रहे हैं अपने काम के लिए एंड मैं तुमसे गाड़ी में करके बात करता हूँ एफ पी पी परस्पेक्टिव में, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और लेट हो गया तो वहाँ पर लंच टाइम हो जाएगा, जो भी काम के लिए हमें जाना है। तो मैं तुमसे मिलता हूँ गाड़ी में जाके एफ पी पी परस्पेक्टिव में एंड गेमिंग कम्युनिटी वाले समझ गए होंगे एफ पी पी का मतलब क्या होता है। जो नहीं समझे दिमाग पर आया स्ट्रेस में दो, चलो गाड़ी में चल के मिलते हैं। सो गाइस, गाड़ी में हम लोग आ चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं फोर्ड के सर्विस सेंटर। ये जो चार्जिंग बोर्ड था जो लास्ट ब्लॉग में तुम्हें दिखाया था मैंने, जो खराब हो गया था, मेरे को परसों कॉल आया कंपनी से कि ये जो पार्ट है ये आ गया है, पर दिस वाज इन वारंटी, तो उन्होंने वो रिप्लेस करने के लिए बोला, तो ये अभी आ गया है पार्ट उनके पास, तो ये आज रिप्लेस कर देंगे। ज़्यादा देर का काम नहीं है, बट मेरे को और भी कुछ काम है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है, कुछ तो कॉन्टेंट रिलेटेड काम है। तुम लोगों को बता दूँ, ये जो है इस ब्लॉग का ये थर्ड टेक है। ऑलरेडी 3 बारी ब्लॉग बना चुका हूँ मैं, बट कॉन्टेंट क्वालिटी की वजह से ही मैं ब्लॉग को अपलोड नहीं कर रहा एंड इस ब्लॉग के जस्ट बाद एक और ब्लॉग आएगी विच विल बी वेरी स्पेशल। इंट्रोड्यूस यू गाइस टू समवन वेरी स्पेशल एंड बहुत क्यूट है वो, जिससे मैं तुम्हें मिलवाने वाला हूँ। वो तुम्हें हो सकता है अगली वीडियो में या इसके भी अगली वीडियो में देखने को मिल जाए। वीडियो शूट होके रखी हुई है भाई, ऐसा कोई शायद ही यूट्यूबर होगा जो इतना कंटेंट को लेके सीरियस होगा कि भाई वीडियो शूट हो रखी है पर डाली नहीं। एक प्रॉपर टाइम आने के बाद मैं उसको डालूंगा एंड कंटेंट क्वालिटी की वजह से ही मैं इसको, ये फाइनल शॉट है इस बार, काफ़ी अच्छे तरीके से बना रहा हूँ, ताकि मतलब तुम लोग है ना बिना सब्सक्राइब किए और बिना वीडियो को शेयर किए जाओ ना, तो मैं क्वालिटी ऐसी कर रहा हूँ कि मतलब क्या ही बताएं। ऑलरेडी वीडियो को हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो 1080p 60fps पे कर रहे हैं। सारी रिकॉर्डिंग मेरी GoPro पे, iPhone पे और मेरे DSLR पे होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना से जितना पार्ट है मैं उसको 1080p में डाल पाऊँ, ताकि तुम लोगों को, अगर तुम TV पे भी वीडियो देखते हो तो क्वालिटी आए और अच्छा लगे। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट गाइज, मैं ये जो FPP सेटअप है ना इसको मैं उतार रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तुमने देखा 32 डिग्रीज हो चुका है बाहर एंड मेरे से ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं कैमरा को ज़रा आगे स्विच कर लूँ फिर मैं बात करूँ। तो जब मैं ऐसे माउंट करके चला रहा होता हूँ ना, बहुत अजीब अजीब वियर्ड रिएक्शन आ रहे होते हैं लोगों के, इसको बंद करूँ यार, बहुत गर्मी हो रही है आज, तो बहुत वियर्ड रिएक्शन आते हैं लोगों के एंड उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो वैसे भी अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना तो आपको वियर्ड रिएक्शन से थोड़ा सा, मतलब क्या बोलूँ मैं,
आदत पड़ जानी चाहिए। तो गाइस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सर्विस सेंटर, अपनी गाड़ी का काम कराते हैं फटाफट से एंड फिर उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। हमें YouTube रिलेटेड भी कुछ सामान लेना है, सबसे मेन तो ये जो SD कार्ड है इसमें, इस कैमरा में नहीं जो मेरे मेन कैमरा में लगा हुआ है ना, तो खराब हो गया है या फिर उसका अडाप्टर खराब हो गया है, तो कोई तो भी प्रॉब्लम है। Don't try to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. So y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the bolognese. I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they doubt it. On record, off record, I let them take advantage. I was... So guys, काम अपना हो चुका है, तुमने देख ही लिया। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी थी, 5-10 मिनट का ही था, फटाफट से हो गया। एंड अब हम चलते हैं, पहले तो मैं जो मॉल से सामान एक्सचेंज कराना है मेरे को वो करा लूँ, ये गिर गया था। एंड फिर चलते हैं, बस ये इनका गेट पास का इशू है, कुछ वो हो जाए सॉल्व। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम लोग, एंड मैंने कुछ मिनिस्टर से कुछ सामान लिया था, वो मेरे को एक्सचेंज कराना है, तो वो मैं करा लेता हूँ एंड फिर तुम लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ का काम अपना हो चुका है एंड अब मैं मॉल से निकल चुका हूँ एंड नाउ मेरे को पेट शॉप पे थोड़ा सा काम है, वहाँ चल लेते हैं एंड फिर उसके बाद मैं तुमसे घर जाके सीधा मिलता हूँ। Let them take advantage, I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. सो गाइस आ चुके हैं हम घर एंड अपनी गाड़ी का काम पूरे तरीके से हो चुका है। रास्ते से मैंने जो सामान लेना था वो भी ले लिया। एक चीज़ को लेके मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैंने एक बैकड्रॉप खरीदा था रास्ते से, सोचा था तुम लोगों को आके अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि अगली वीडियो में उसका यूज़ कैसे करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसका साइज़ मैंने घर आके देखा कि कुछ गलत आ गया है, तो मैंने कहा यार उसको अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, उसको मैं एक्सचेंज करा के ले आऊँगा एंड नेक्स्ट ब्लॉग में तुम्हें दिखाऊंगा कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है। बाकी आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज टुमारो इज़ द 1st of October एंड कल है यूट्यूब का क्रिएटर कैंप। तो जो लोगों को पता है YouTube के फैन फेस्ट के बारे में, YTFF जो हर साल होता है, लास्ट ईयर दिल्ली, मुंबई एंड हैदराबाद में हुआ था, जब भी YTFF होता है उससे एक दिन पहले होता है क्रिएटर कैंप, मार्च या अप्रैल में होता है यूजुअली। तो मैंने इसके लिए फेब में अप्लाई कर दिया था जब मैं दिल्ली में था, मैंने सोचा था कि दिल्ली में जाके बढ़िया तरीके से सारे क्रिएटर्स से मिलेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी वहाँ पर, बट अनफॉर्चुनेटली दिस ईयर इट्स हैपनिंग ऑनलाइन, वर्चुअली हो रहा है पूरा का पूरा एंड पता नहीं कैसे क्या होता है, उन्होंने बोले लिंक भेजेंगे कुछ होगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, ये आ गई थी मेल रजिस्ट्रेशन की एंड बाकी कल है क्रिएटर कैंप, देखते हैं क्या कैसे होता है एंड मज़ा तो तब भी आएगा होता ही, क्योंकि यार यूट्यूब के जो इवेंट्स होते हैं ना उनमें बहुत मज़ा आता है एंड इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया काफ़ी डिफरेंट है, सिर्फ सब्सक्राइबर्स बेस्ड नहीं है, वॉच टाइम पे भी डिपेंड करता है, चैनल की रीच, एंगेजमेंट, हर चीज़ को देख रख के वो लोग फिर उसके बाद आपको मेल भेजते हैं कन्फर्मेशन वाला। तो कल अटेंड करते हैं क्रिएटर कैंप, देखते हैं क्या कैसे होता है, जो भी होगा वो तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई दूंगा। सो दैट इज इट टू टुडे गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह पर डाल दो।
इन दी एंड लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी कर दो. दिस वे और दैट वे डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ.